इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां मनगवां थाना क्षेत्र के उल्ही खुर्द में उस समय हड़कंप मच गया जब घर में बने कोदव के चावल खाने से पति पत्नी और बेटे को उल्टियां शुरू हो गई। आनन फानन में प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पति पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है जबकि बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है। आपको बता दें कि अभी उमरिया में 10 हाथियों की मौत कोदव के खाने से हो चुकी है। अब वही मामला रीवा में सामने आया है, जहां कोदव का चावल खाने से 3 व्यक्तियों की जान आफत में फंस गई। पूरे मामले को लेकर संजय गांधी अस्पताल के CMO डॉक्टर यतनेश त्रिपाठी ने बताया कि उलझी खुर्द निवासी राज दुलारी साकेत, पति वाल्मीकि साकेत और उनका बेटा अच्छे लाल साकेत को भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। उनके बताए अनुसार तथा कथित कोदो का चावल खाने से हालत बिगड़ी है, फिलहाल उपचार जारी है। सर क्या मामला है? देखिए, आज हमारे यहाँ 3 मरीज राज दुलारी साकेत, पत्नी वाल्मीकि साकेत और उनके पुत्र हैं अच्छेलाल साकेत, ये 3 लोगों को हमारे पास लाया गया, जिनके पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि कथित रूप से इनके घर में इन्होंने अपना कोई कोदो चावल बनाया था और उसको खाने के बाद इन्हें उल्टी दस्त की शिकायतें हुई, उसके बाद उन्हें लाया गया था, इनको परीक्षण करके उपचार के लिए भर्ती कर लिया है, जिसमें जो बुज़ुर्ग हैं दोनों पति पत्नी, उनकी स्थिति गंभीर है। उनका जो बेटा है वह तो अभी ठीक मालूम होता है, उपचार जारी है और चिकित्सक उनकी सतत निगरानी कर रहे हैं। कहाँ से आते हैं ये? उल्ही खुर्द मनगवां, ऐसा इन्होंने पता बताया है, वहाँ के निवासी हैं। वाल्मीकि साकेत सिया दुलारी और उनका लड़का है अच्छेलाल साकेत।